हेलो वेलकम टू इंडिया एंड वेलकम टू लर्न टू एक्चुलाइज चैनल एंड दिस इज अ न्यू सीरीज वन स्किल लर्निंग होल लाइफ अर्निंग। अरे इतने भी खुश मत हो, आपको होल लाइफ अर्निंग हो जाएगी। होल लाइफ अर्निंग के लिए कुछ स्पेशल लर्निंग करनी पड़ती है। हाँ, उसका एजुकेशन हमारी के साथ कुछ संबंध है या नहीं है ये आपको खुद देख लेना है। ये आपको पता है कि हमारी एजुकेशन डिग्रीज देती है, सर्टिफिकेट्स देती है, क्या स्किल डेवलप करती है? हाँ, लाइफ स्किल्स सिलेबस में आपको करिकुलम में जरूर मिलेगी। क्या ऐसी कोई स्पेशल स्किल आप में फिल कर देती है हमारी एजुकेशन कि आप उस स्किल के बेस पर सारी उम्र अपना पेट, अपनी फैमिली का पेट भर सकते हो? और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ऐसे कितने करोड़ बच्चों का डाटा दिया है जिनको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। वो सर्व शिक्षा के बावजूद, आरटीई एक्ट 2009 के बावजूद स्कूल जा ही नहीं सके, हमारा सिस्टम उनको कोई एजुकेशन दे ही नहीं सके। वो अडल्ट हो गए, वो इलिटरेट की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिनके लिए कभी दूरदर्शन भी गाना गाया करता था, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी उन तक नहीं पहुंच सकी। हाँ, अगर डाटा देखोगे, गवर्नमेंट डाटा जो प्रोवाइड करती है उसमें आपको इंक्रीज दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन नहीं कर सके। सारा वर्ल्ड जानता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। ऐश की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, आप पिछली नेशनल पॉलिसीज कमीशन आप उनको पढ़ लीजिए, आपको वन ऑफ द एम ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या मिलेगा कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना, उनकी वोकेशनल डेवलपमेंट करना, को लाइफ लॉन्ग कुछ अर्न कर सके। लेकिन मैंने इंडिया में ऐसे अनेक केस देखे हैं जो ना तो स्कूल जा सके, ना स्कूल उन तक जा सका, लेकिन वो एम ऑफ एजुकेशन के अनुसार लाइफ लॉन्ग के लिए कुछ ऐसी स्किल लेके बैठ गए कि लाइफ लॉन्ग अर्न कर सकते हैं। ऐसी ही बातें करूंगा, ऐसे केस डिस्कस करूंगा, मेरे माइंड में है, जो भी जब जब मुझे केस वो मिलेगा उससे इंटरव्यू करूंगा, उसको कॉग्निटिवली, इफेक्टिवली, कॉग्निटिवली, सोशली एनालाइज करके आपके सामने पेश करूंगा वन स्किल लर्निंग होल लाइफ अर्निंग सीरीज। ये शुरुआत मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कुदरत ने खुद करवाई है। आज सुबह 7:30 बजे बाय चांस मैं 2 मिनट के लिए सामने वाले घर में गया और वापस जब आ रहा था तो मेरी नजर अपनी गली की उस जगह पर चली गई, यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है, काफी ऊंचा है, यहाँ से आसानी से आप गिर सकते हो। आप तो पता ही है ना कि इंडियन स्ट्रीट्स में आप कैसे आराम से कहाँ भी कहीं भी गिर सकते हैं। वहां से बड़े बड़े जो हीरो बॉयज है ना, अपने आप को समझते, वो भी बहुत ही धीरे करके बाइक को ले जाते हैं। एक्चुअली वो स्पीड ब्रेकर बड़ा ही टेढ़ा है, बड़ा ऊंचा है। तो मेरा ध्यान उधर गया तो मैंने देखा कि ये शख्स वही स्पेस बड़े आराम से पार कर रहा है। मैंने जो आधे अधूरे कपड़े पहने थे उसी में इनको रोका, ना रुको 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 रुको, और मेरे मुंह से सबसे पहला शब्द ने कहा, यार कमाल है, इतनी ऊंची इतनी ज्यादा चेयर्स रखी हैं, आप चला लेते हो। और इनका चेहरा ऐसे खिल गया कि जैसे सब चेयर्स बिक गई। मैंने कहा, 1 मिनट रुकोगे? मैं, वो कहते हाँ मैं रुकता हूँ। तो मैंने ना अपने नेबर से एकदम मोबाइल पकड़ा और इनसे बातचीत करनी शुरू कर। पहले वो बातचीत देख लेते हैं। हाँ, जो रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, यूजीसी नेट है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो देने वाले हैं, वो देख सकते हैं अब के अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होती है, चलते चलते गली में भी हो सकती है। आपने संभाली कैसे है भाई? ये तो खुशियां थोड़ी पर भाई भाई खुशियां रख दे। हिंदी में बोल सकते हो? गले से भैया हमें भाई भाई खुशियां रखते हैं, आप थोड़ी लेके आए, कम कर इससे भी ऊंची रख लेते, इससे भी ऊंची जो तार में फंस सकती है। हाँ, तो कहाँ से आते हो? टिकटी चौक से आते। तो ऐसे ही सारी बेचते? ऐसे ही बेचते। तो ऐसे संभाल कैसे लेते इतनी ऊपर तक बाइक पे है? देखो क्या बात है, ये काम में उम्र आई है, सारी उम्र का। आपके और साथी ऐसे ही करते हैं? सारी करते हैं, ये पूरा बैंड सारे से करते हैं। नहीं गिरते नहीं फिर? नहीं, मगर रस्सा मारा था ना पक्का। नहीं तो ये तो इम्बैलेंस हो सकता है ना बाइक तो आपका।
वो चलो क्या खुद खाते फिर स्टैंड लगाते जगह लगता दुआ के खड़ा कर देते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम आती है आपको रस्ते में? कोई नहीं आती। नवे बंदे को आ सकते, जो पुराना बंदा उसको नहीं आ सकता। कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? जी कर तो कर 11 साल हो गए काम करते हुए। नहीं ये बाइक के ऊपर इतनी चेयर्स रखते हुए 11 साल हो गए। 11 साल 11 साल 12 साल हो गए। एज क्या है आपकी? मतलब मेरे करता 26 साल उम्र है। 26 साल 26 साल। तो आप कितनी एज के काम कर रहे हो उम्र की? एक कर तो कर मैं उम्र 12 साल की उम्र में काम किया, पहले साइकिल भी चलाता था। 12 साल से कर 12 साल से 12 साल के आप थे जब काम कर रहे हो? हां काम पे लगे 12 साल की उम्र थी। तो पढ़े नहीं आप? एक दो जमात पढ़ी, ज्यादा कोई खास ज्यादा नहीं पढ़े। कहाँ से? अपने उत्थी बैंक नगर सरकारी स्कूल। यहाँ रहते जलंधर में जिन्होंने नौकरी लगते हैं। अच्छा पढ़े क्यों नहीं फिर? ऐसे ही काम कर तुम जो पढ़ के भी काम कर यही करना हम। अच्छा आपका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं पढ़ा? भाई बहन नहीं पढ़ा कोई? भाई बहन एक दो तीन तीन जमात पे कोई ज्यादा नहीं पढ़े। काम नहीं पढ़ पाऊंगा ज्यादा भी 10वीं पढ़ लवाने 12 पढ़ लवाने काम नहीं पढ़ाई करना। सानू कहीं नौकरी मिल जानी है इससे अच्छा चल जाता आपका। चल जाता चल जाता। कमाल है यार इतनी ऊंची रखी है तो हरा। ये तो भैया थोड़ी आगे ज्यादा आई आता चार कटा के लेके आऊंगा। चलो मुझे फोटो भेजना फिर। कोई गल नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आगे दिखाओ। ग्रेट इंडियन फैसला। थैंक यू। देखो एक 26 साल का नौजवान कितनी स्माइल से कितनी खुशी से हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पर डैश मार के चला गया, लेकिन सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा। न्यू एजुकेशन में पॉलिसी में सबसे बड़ा पहला दुख ये बताया गया है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने करोड़ बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल एजुकेशन का दुख इससे भी बड़ा है कि जो बच्चे लोअर लेवल के लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के स्कूल में जा रहे हैं, क्या वो ऐसी कोई स्किल लेके स्कूल से बाहर आ रहे हैं कि उनका लाइफ लॉन्ग बेसिक नीड्स जो हैं पूरी हो सके। हम बीएड में भी टीच करते हैं एजुके पर्सनैलिटी इज़ ए यूनिक। अच्छा तारे ज़मीन पर का पहला कैप्शन क्या था कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। यूनिक क्या होता है? जो नॉर्मल से डिफरेंट होता है। और ये शख्स आपके सामने बिल्कुल है अपनी स्किल के साथ जो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है। आप ये देख लीजिए कि इसने अभी आपको बताया कि ये 22 चेयर तक अपने बाइक पर रख लेता है। मैंने उस चेयर का वेट बाद में किया तो 4.3 केजी के करीब आया। इनको मल्टीप्लाई कर दे तो ये 88 किलोग्राम बन जाता। साथ में आपने पीछे देखा होगा कि दो टेबल भी थे, उनका वेट अगर 5 किलो लगाया जाए तो 10 किलो वो हो गए, तो ये टोटल कितना हो गया 98 केजी। इट मींस यूनिकनेस क्या है इस शख्स की कि 98 केजी इस फॉर्म में चेयर्स और टेबल के फॉर्म में ये अपने बाइक पर रख के लंबा सफर तय कर सका। इस इमेज में जो देख रहे हो ये लगभग 16 और 17 है, तो ये लगभग 80 केजी के करीब हो जाएगा। इतना भार लेके वो अब तक 7:30 बजे सुबह वो मुझे मिले तो वो 25 किलोमीटर का सफर तय कर चुके। अगर वो शाम 6 बजे तक भी अपना ये काम करते हैं, गली गली घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, किसी और शहर में जाके घूमते हैं, तो आप देख लीजिए लगभग 100 किलोमीटर वो हर रोज इतने वेट से सफर करते हैं। कितने रिस्क के साथ सफर करते हैं वो आपको सिंपल सा पता है कि इंडिया की स्ट्रीट कैसी हैं, जो कई बार 5 साल के बाद इलेक्शन में 5 हफ्तों के लिए बन जाती हैं। और जिस हाईवे से ये शख्स सफर करके आए हैं, इंडिया के सभी वैसे ही हैं। आप कभी भी फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरना, आपको नालियां मिलेंगी जिससे आप इतना जंप करोगे कि नॉर्मल स्कूटी या स्कूटर आराम से इम्बैलेंस हो सकता है। और ये शख्स एक क्विंटल से उन हाईवे से उन रस्तों में से होकर शाम को घर तक जाते हैं। और ये आपको बता चुके हैं कि ये 12 साल के थे और तब इन्होंने शुरू किया था साइकिल पर, अब मोटरसाइकिल पर हैं। धीरे धीरे ये इंक्रीज करते गए। 26 साल के हैं,
12 साल हो गए हैं इतनी चेयर्स को रोज ढोते हुए। इसके अलावा और इन्वेस्टमेंट क्या है, डेली पेट्रोल तो लगता होगा ना, जो आपको पता ही है 103 रुपए किलो मिल रहा है, लीटर में तो अब मिलना ही नहीं है ना। इतने वेट से और गलियों से छोटी छोटी से गुजरने से इसकी एवरेज भी कम होती है, तो 200-300 का खर्चा तो कम से कम इनका वो भी है। तो ये है इनकी वन स्किल जिससे ये यूनिक बन गए। अब ये किसी की जॉब नहीं करते, किसी से सैलरी नहीं मांगते, किसी का ऐसे नहीं होता कि इनको कोई फिक्र नहीं है कि 70% मिलेगा, 50% मिलेगा, जॉब से निकाल दिया जाओ। क्यों? पढ़े लिखे नहीं है ना, एजुकेटेड नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं गए, इसलिए इंडिपेंडेंट हैं। इसके अलावा ये भी देखिए कि इनके पास कैलकुलेशन स्किल तो होगी ना, ये चेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, कैलकुलेशन रोज तो करते होंगे ना, फंक्शनल लिटरेसी तो इनके पास है ना बिना स्कूल गए। और दूसरी तरफ हम हैं जो इतना पढ़ गए हैं, स्कूलिंग भी कर ली, कॉलेज भी कर लिया, यूनिवर्सिटी भी कर ली, बीएड भी कर ली, एमएड भी कर ली, टेट भी कर लिया, सेंटर का टेट भी कर लिया, यूजीसी नेट भी किसी ने कर लिया, किसी ने पीएचडी भी कर ली। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी स्किल डेवलप की अपने आप में कि आप दूसरों से स्पेशल हो गए, और एक स्किल ही काफी है आपको सारी उम्र के लिए इंडिपेंडेंट, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अर्निंग के लिए। इसकी एक नहीं, हजारों एग्जांपल इंडिया की गलियों में साफ दिखाई देते। इन आउट ऑफ स्कूल लर्नर से हम सीख सकते हैं कि हम डिग्री तो ले गए, सर्टिफिकेट तो ले गए, लेकिन कोई स्किल तो डेवलप कर लें। इसलिए मोटिवेट होने की जरूरत है, कुछ अपने आप को हिलाने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। एक बात याद रखना, आपको जॉब मिल भी गई है या जॉब जो कर भी रहे हैं, अगर उनके पास भी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है या जो एडिशनल स्किल्स उस जॉब के लिए चाहिए वो अच्छी नहीं है, तो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन वेरी लोअर होगी, तो आपके मुंह पर ऐसी खुशी नहीं होगी जो इस वीडियो में आपने 26 साल के इस शख्स के मुंह पर देखी है। इंडियन यूथ को मैं 3 वर्ग में बांट रहा हूं। एक तो वो जिनके पास स्पेशल स्किल कोई है, दूसरा जिनके पास डिग्री है, स्किल का डमरू है, कुछ नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही। और तीसरा वो जो इनको एजुकेशन तक ले जा नहीं पाए, और जो पढ़ लिख गए उनको एक्चुअल एजुकेशन नहीं दे पाए, जो इस कुर्सी पर बैठते हैं ऐसे। इसका रंग पता है क्यों लाल है? क्योंकि ये लोगों का खून चूस चूस के बनती है, जहां इस पर जो भी शख्स बैठता है पता नहीं वो खून ही क्यों चूसता है, खून ही क्यों खाता है पीता है। उसको हम लोग कभी बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जात देखेंगे पहले, अपना धर्म देखेंगे, अपनी पार्टी देखेंगे, अपना रीजन देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, फिर उसके मुताबिक वोट डालेंगे ना। जो डेवलपमेंट करता है उसको वोट थोड़ी डालेंगे। अब ध्यान से देखना, इस कुर्सी पर जो बैठता है उसका चेहरा, उसके चेहरे पर कितनी करप्शन या कितनी गंदगी साफ दिखाई देती है, और इस शख्स का चेहरा जो हक हलाल की कमाई, जो गुरु नानक देव जी ने कहा करते हैं, इस शख्स को इतनी कुर्सियां उठाकर भी बोझ नहीं लगता, और ये लोग एक इस आरामदायक कुर्सी पर बैठकर भी कितना बोझ फील करते हैं। क्यों? खजाना नहीं है जी, खजाना हमारे आने से पहले खाली था जी। शायद आपको पता नहीं है, एजुकेशन पर भी पार्शियल GST लग चुका। मैंने अपने पहले वीडियो में जिसमें एंटिटी कोर्स की बात की थी, टीचर कोर्स की, योगा टीचर की बात की थी, उनमें फीस स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसमें सारी फीस स्ट्रक्चर और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, वो सारी में GST आपको लगा हुआ मिल रहा है। इंडिया की कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो हैं उनके पार्शियल कई कुछ बिक चुका है। क्यों? क्योंकि वाइस चांसलर की पोस्ट एकेडमिक नहीं है, पॉलिटिकल पोस्ट है। आप कुछ भी करते हो, आप जिंदगी में आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना कि आप खुश हो। इस शख्स से मुझे वो भी पूछना नहीं पड़ा कि आप खुश हो। खुश रहने के लिए प्योर मेहनत की जरूरत होती है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। मैं उल्टा कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, मेहनत करना सीखो ओ पढ़ने लिखने वालों। नो डाउट जो एजुकेशन में मेहनत कर रहे हैं, जॉब में मेहनत कर रहे हैं, स्किल्ड हैं, वो सचमुच ऐसी खुशी अपने साथ रखते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे, ये वीडियो उनके लिए मोटिवेशनल है कि अपने आप में चेंज करो, सिस्टम में चेंज,
तब आएगा। वीडियो का ये मतलब ना ले लेना कि टेट नहीं करना, यूजीसी नहीं करना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं क्लियर करने, हायर एजुकेशन नहीं लेनी, सब कुछ करना है, पर ये तो डिग्री है ना, इसके साथ साथ स्किल भी कोई स्पेशल डेवलप करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, गोल सेट करना पड़ता है, यही इस वीडियो में मैं कहना चाहता था। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जो वन स्किल लर्निंग होल लाइफ अर्निंग में फिट होता है, यूनिक दिखाई दे रहा है, काइंडली वो शेयर कर सकते हैं, मूवी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी को जगा सकता है, किसी को प्रेरणा दे सकता है, किसी की लाइफ को बेटर कर सकता है, किसी को मुस्कान दे सकता है। एक और बात, इसमें मैंने एक पॉइंट पर्सपेक्टिव लिखा है, इन शख्स को आज तक किसी ने भी ऐसे नहीं देखा, अधिक से अधिक ये देखा भी क्या बात है, कितनी ऊंची कुर्सी लगाई है, बस इससे ज्यादा इनकी लाइफ का स्ट्रगल कभी देखा ही नहीं है। अगर आप इतना देखना सीख जाएं